एक तरफ मणिपुर की स्थिति का जायजा लेने विपक्षी गठबंधन इंडिया के 21 सांसद पहुंचे हैं, तो दूसरी तरफ इम्फाल की सड़कों पर मैताई समुदाय के लोगों ने शांति मार्च निकाला है। पूरा देश चाह रहा है कि मणिपुर में शांति बहाल हो। जो विपक्षी सांसद मणिपुर के हालात का जायजा लेने पहुंचे हैं, उन्होंने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए स्थानीय लोगों से शांति की अपील की है। सुबह विपक्षी सांसदों का दल मणिपुर पहुंचा, जो दो हिस्सों में प्रदेश का दौरा करके हालात की जानकारी लेने में जुटा है। चूड़ाचांदपुर के राहत कैंप में जाकर सांसदों ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की है। हमने सिर्फ इनसे कहा, थोड़ा सुना और कहा कि सब ठीक होगा, हम लोग तमाम कोशिश कर रहे हैं एक हालात बेहतर हो। डरे हुए हैं सारे, खामोशी में हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, बिल्कुल डरे हुए हैं सारे लोग यहाँ के। दो ग्रुप्स में सांसद बांटे गए हैं। ग्रुप ए में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी, आरजेडी के मनोज झा सहित 10 सांसद हैं, तो ग्रुप बी में जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी सहित 10 सांसद हैं। गृह मंत्री जी, आपको स्मरण होगा कि जब मणिपुर में हिंसा हुई, उसके महीनों बाद गृह मंत्री जी मणिपुर आने का साहस किया, जबकि ऐसा नहीं है, वो देश के अन्य भागों में घूम रहे थे। ये भी सही है कि सभी इंडिया पार्टी साथ मिलके एक प्रयास कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि सकारात्मक दिशा में बात जाएगी। 16 विपक्षी दलों के 21 सांसदों के इस मणिपुर दौरे को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी कह रही है कि बंगाल और राजस्थान का दौरा भी इनको करना चाहिए। मणिपुर जब जलता था, कई महीनों बंद रहता था, सैकड़ों लोगों की हत्याएं वहां पे हो गई, 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, मुंह में दही जम जाता था। इस समय इस सियासी पर्यटन की आवश्यकता नहीं है। मणिपुर की जो समस्या है, जो इस समय कंट्रोल है, नियंत्रण में है, उसको क्यों भड़काने की नियत रखते हैं। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने आज चूड़ाचांदपुर में राहत कैंपों का दौरा किया और हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की। विपक्षी सांसदों का जो दल मणिपुर गया है, वो कल राज्यपाल से मिलने वाला है। उधर इम्फाल में मैथाई समुदाय के लोगों ने शांति और एकता के लिए बड़ी रैली निकाली है, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। मणिपुर में मई महीने से हिंसा की शुरुआत हुई। पिछले दिनों जिस वायरल वीडियो के बाद मणिपुर की राजनीति गर्म हुई, उसको लेकर सीबीआई ने केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।